वेलकम टू हमारी रसोई। आज हम बना रहे हैं चिकन 65 ग्रेवी। तो चिकन 65 ग्रेवी के लिए हमने यहाँ पे हाफ के जी चिकन ली है बोनलेस। इसकी चिकन 65 के लिए हम एक बैटर रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने बाउल में 1 कप मैदा लिया है। इसमें हम 1/4 कप कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। एक अंडा ऐड करेंगे इसमें। 1 टीस्पून ग्रीन चिली क्रश। 1/2 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर। सॉल्ट टू टेस्ट। पिंच ऑफ MSG। 1/4 टीस्पून फूड कलर रेड फूड कलर। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 टेबल स्पून शेजवान सॉस। हमें सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करके उसका अच्छे सा थिक बैटर हम रेडी कर लेंगे। यहाँ पे हमारा बैटर रेडी हो गया है। देखिए कितना थिक कंसिस्टेंसी है इसकी। हम अपनी चिकन ऐड कर लेंगे इसमें और इसे डीप फ्राई करके रेडी कर लेंगे। यहाँ पे हम सारी चिकन को बैटर के साथ कोट करेंगे। इसे हम डीप फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। जब तक ये डीप फ्राई हो रही है हम अपनी ग्रेवी को रेडी करते हैं। यहाँ ग्रेवी के लिए मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है। इसमें हम 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स ऐड करेंगे। क्रैकल होने देंगे इसे। उसके बाद करी लीव्स, वन टीस्पून फाइनली चॉप गार्लिक एंड 6 क्लोव्स फाइनली चॉप 1 टीस्पून जिंजर। अदरक लिया है मैंने 1 टीस्पून फाइनली चॉप करके और 6 गार्लिक्स लिए मैंने फाइनली चॉप किया मैंने उसको भी। सॉटे करेंगे। 4 ग्रीन चिलीज ली थी जिसमें मैंने जूलियन कट कर लिया है उसे भी ऐड करेंगे। वन टीस्पून पैप्रिका। 1 टीस्पून स्लो कर देंगे क्योंकि हम यहाँ पे 1/2 कप बीटन कर्ड ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। 1/4 टीस्पून रेड फूड कलर। ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद इसमें हम सॉल्ट डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसे मिक्स करेंगे। ऑन द अदर हैंड मैंने चिकन को डीप फ्राई करके रेडी कर लिया है। अब उसे चिकन ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमने फ्राइड चिकन ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमें जितनी ग्रेवी चाहिए उतना पानी हम ऐड करेंगे। यहाँ पे 1 कप ऑफ वाटर ऐड कर रही हूँ। That's it. 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने। इसे पानी में डिजोल्व करके इसमें ऐड करेंगे और एक बॉईल देंगे। यहाँ पर ग्रेवी में बॉईल आ रहा है इसमें हम कॉर्नफ्लोर वाटर ऐड करेंगे और इसे थिक होने तक हम कुक करेंगे। यहाँ पर हमारी ग्रेवी थिक हो गई है। आप चाहें तो इसमें बेल पेपर्स ऐड कर सकते हैं। कोई भी वेजिटेबल्स आप ऐड कर सकते हैं। कैप्सिकम कैबेज एंड ऑल। इसे हम स्प्रिंग अनियन से गार्निश करेंगे। यहाँ पे चिकन 65 ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल के स्प्रिंग अनियन से गार्निश करेंगे। यहाँ पर हमारी चिकन 65 ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। हम इसे कैप्सिकम राइस या फ्राइड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी आज की अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें।
एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. अल्लाह हाफिज़.